students so this is a part two of the chapter living world which we were doing for class 11th biology and we were focusing for the school boards so uh, let's get started with the diversity in the living world introduction इंट्रोडक्शन uh, यहाँ पर इसका जो कहता है वो कुछ इस तरह है कि जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ होती है जो आज तक अगर हम टिल डेट देखें जो हमें नोन है उसकी रेंज इससे डिस्क्राइब की गई है कि वो 1.7 से 1.8 बिलियन हमने आज तक उसको देख लिए डाइवर्सिटी मतलब कि कितनी वैरायटी यहाँ जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें पाई जाती है चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो कितनी डिफरेंट तरह के पाए जाते हैं उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं तो जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ आज की डेट uh, तक हमें पता है वो इतनी है अब ये जो चीज़ होती है जिसमें हम ये सब चीज़ें देखते हैं अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी देखते हैं लिविंग वर्ल्ड में तो अगर हम डाइवर्सिटी देख रहे हैं सिर्फ लिविंग थिंग्स की तो उसको बायोडाइवर्सिटी का नाम दिया जाता है तो दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और दी नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन दी अर्थ तो अगर हमसे बायोडाइवर्सिटी पूछा जाता है तो डाइवर्सिटी ऐसी डाइवर्सिटी जो कि लिविंग वर्ल्ड के लिए लिविंग थिंग्स के लिए देखी जाती है उसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है सिंपली अगर हम डाइवर्सिटी देखें तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी चाहे वो लिविंग थिंग्स की हो या नॉन लिविंग थिंग्स की हो लेकिन लिविंग थिंग्स की बात की जाएगी तो हम वहाँ पर बायोडावर्सिटी नाम की टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं और यहाँ पर उसकी रेंज भी दी हुई है जो हमें अभी अभी तक नोन है नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनोमी एक्सोनॉमी ये एक स्टडी होती है जिसमें प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स जो होते हैं क्लासिफिकेशन के उस पर फोकस किया जाता है अब जो क्लासिफिकेशन है जैसा कि हम जानते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जा रहे हैं दुनिया में तो उनको हमें जरूरी कि हम उसका नाम दे दें और हमने जो ऑलरेडी क्लासीफिकेशन कर रखा है कहीं ना कहीं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में तो उसमें उसकी सही जगह को कहना चाहिए प्लेस कर दें उसको उसकी जो सही जगह है वहाँ पर उसको रख दे तो इसी चीज़ को जहाँ पर हम स्टडी करते हैं जितने रूल्स होते हैं प्रोसेस होती है किस तरह क्लासिफिकेशन होता है फिर क्लासिफिकेशन का करना ये सारी चीजों को जिस चीज में हम डील करते हैं उसको टेक्सोनॉमी कहा जाता है तो एक नई टर्मिनोलॉजी थी लेकिन बहुत ईजी है नेक्स्ट चीज दूसरी बात देर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमन क्लेचर अगर हम देखें तो जो कॉमन नेम्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल हम मैंगो को एक इंग्लिश लैंग्वेज में कहें तो सारी दुनिया में जितने लोग होंगे उसको मैंगो ही कहेंगे ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर हिंदी में उसको आम का शब्द दे रहे हैं या फिर कोई बाहर के देश में उसको कोई और शब्द में नाम दे रहे हैं तो वो ठीक है वो उसके कॉमन नेम्स चलता है लेकिन अगर इंग्लिश में हम बात करेंगे तो पूरी तक दुनिया में उसको मैंगो के नाम से ही जाना जाता है तो ये जो चीज होती है जिसमें हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं किसी चीज को जिससे वो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए उसको नॉमन कहते हैं नॉमन को नॉर्मल शब्दों में नामीकरण भी कहा जाता है कि, कि किसी चीज को नाम देना नेक्स्ट चीज यहां पर है नॉमन क्लेचर जो होता है या फिर नेमिंग जो होती है वो सिर्फ पॉसिबल होती है जब ऑर्गेनिज्म को आप डिस्क्राइब करोगे करेक्टली सही तरीके से एंड वी नो टू वॉट ऑर्गेनिज्म द नेम इज़ अटैच टू दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन तो अगर आपको किसी चीज़ का नाम रखना है नॉमन क्लेचर उसका करना है तो उससे पहले ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे सामने कोई बॉक्स रखा हुआ है तो उस बॉक्स को अगर हम देखते हैं तो हमें पहले पता होता है कि हाँ ठीक है एक चीज़ है जो अपने अंदर चीज़ों को रख सकती है ये खाली है अंदर से एम है इस तरह की चीज़ें दूसरी भी हो सकती है वैसे बॉक्स हमने दूसरे भी देखे हैं तो हम उसको भी बॉक्स का नाम फिर देते हैं तो पहले हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसके ऊपर नाम रखते हैं तो आइडेंटिफिकेशन के बाद नॉमन होता है अब ये जो नॉमन होता है अगर हमें पूरी दुनिया में सेम फॉलो करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें रूल्स को फॉलो करना होता है अब जो रूल्स है तो बॉटनी और जूलॉजी दोनों ही जो डिपार्टमेंट्स है बॉटनी हम जानते हैं प्लांट्स से रिलेटेड स्टडी होती है और जूलॉजी हम जानते हैं एनिमल से रिलेटेड स्टडी होती है तो दोनों ही डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह से नॉमन के रूल्स बनाए गए थे जो कि आई और आई कहलाते हैं उसको आगे देखते हैं हम तो हमें पता होना चाहिए जो रूल्स होते हैं नॉमन के किस तरह से आप रूल्स को फॉलो करेंगे उसको प्रोवाइड करने वाली दो कम्युनिटीज़ है पहली है आई और दूसरी है आई सी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमन और आई का नॉमन फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमन क्लेचर बॉटनी से रिलेटेड जितने भी प्लांट्स वगैरह उनके सामने नए आते हैं तो जैसे वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं जब उसको नॉमन रखना रहता है तो आई के थ्रू वो लोग काम करते हैं अगर प्लांट्स हो गए तो वहीं कभी कोई नया ऑर्गेनिज्म पाया जाता है इस दुनिया में उसका अगर नाम रखना है तो किसके रूल्स हम देखेंगे आई जेड एन के लिए देखेंगे तो जूलॉजी के लिए हम आईसी जेड एन में जाएंगे और बॉटनी के लिए हम आईसी बी एन में जाएंगे अब बात आती है वॉट इज बायनोमिल नॉमनक्लेचर बायनॉमिल नॉमनक्लेचर इसका मतलब होता है बाय वर्ड जहां पर आ जाए अभी हम लोग अगर पहला चैप्टर है हमारा तो हम यहाँ से कुछ ट्रिक्स ऐसी होती है जो बायोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम लोग रूट वर्ड के सिस्टम से यहाँ चलते हैं अगर बाय वर्ड जहाँ पर भी आगे जाकर हमें देखने को मिला करेगा तो हम वहीं समझ लेंगे कि दो चीज़ों की बात हो रही है बाय का मतलब होता है दो और नॉमियल का मतलब होता है नाम से रिलेटेड तो दो नाम वाला नॉमन इसको हमने शॉर्ट में ऐसे समझा अब जो कैरोलेस लीनियस हैं वो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहलाते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी केरोलस लीनिया से साथ में जो नेम होता है उसमें अगर दो पार्ट्स पाए जाते तो ऐसे नॉमन क्लेचर को बायोनॉमियल नॉमनक्लेचर कहते हैं अब ये जो दो पार्ट्स होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं पहला होता है जेनरिक नेम जिसको जीनस से रिलेट करा गया और दूसरा होता है स्पेसिफिक ईपिथैड जिसको स्पीशीज से रिलेट करा गया अब हम इसको समझते हैं क्या हो तो अब हमारा टॉपिक है बायनॉमियल नॉमनक्लेचर बायनॉमियल नोमक्लेचर में अगर हम इसकी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो बाय वर्ड का मतलब जहां पर भी आएगा उसका मतलब होता है टू वहीं जो नॉर्मियल वर्ड होता है उसका मतलब होता है नेम तो बाय नॉम नॉमन क्लेचर का मतलब है ऐसा ऐसा वाला नॉमन क्लेचर जिसमें दो नेम का यूज किया जाता है अभी से हम लोग टर्मिनोलॉजी पर समझते जाएंगे जिससे कि एक सिंगल चीज से हम आ, आगे भी अगर कभी इस तरह के वर्ड्स हो तो हमें पता हो तो नॉम वर्ड जहां आए नॉमियल वर्ड नॉमन क्लेचर देखिए सब में नॉम नॉम वर्ड आ रहा है तो वो नेम से रिलेटेड है और बाय वर्ड जो है वो टू से रिलेटेड होता है अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज जो केरोलस लीनियस थे वो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहलाते इस पर क्वेश्चन बहुत बार बन चुके हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हु इज द

तो कुछ इस तरह से यहाँ एग्जाम्पल है सबसे पहले जो मैंगो होता है मैंगो कॉमन वर्ड है हर जगह पर मैंगो करके उसको कह सकते हैं लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको मैंजी फेरा इंडिका कहा जाता है मैंजी फेरा ए एम ए एन जी आई एफ ई आर ए और इंडिका मेन्जीफेरा इंडिका और कभी कभी उसके आगे लिन भी लिखते हैं लिन इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो साइंटिस्ट का नाम है लीनियस ने नाम दिया था इसलिए लिन लिखते हैं लेकिन अभी हमारा फोकस है मैंजी फेरा इंडिका के ऊपर अब इसमें से जो मैंजी फेरा वर्ड होता है वो शो करता है कि जीनस जीनस जो है मैंगो का वो मैंजी फेरा है वहीं इंडिका जो है वो क्या शो करता है वो उसकी स्पीशीज है तो इंडिका स्पीशीज है स्पेसिफिक इपिथेट और मैंजीफेरा क्या है जीनस है और या फिर जेनेरिक नेम है तो इस तरह से हर बायोनोमल uh, नोमक्लेचर में रहता है कि जीनस और स्पीशीज आपको शो की जाती तो मेनजी फेरा यहां से जी को डिनोट करा था और इंडिका यहां पर स्पीशीज को रिलेट करी थी तो जो भी दो वाले नेम होते हैं शुरू में उसमें जीनस रहता है और जो दूसरा पोर्शन रहता है वो स्पीशीज होती है अब हम यहाँ पर गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स देखेंगे जो कि नॉमन के लिए ज़रूरी होती है जो भी उसके रूल्स होते हैं वो हमें पता होना चाहिए तो उसकी गाइडलाइन में सबसे पहला रूल यहाँ पर है इट शुड बी इन लैटिन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन या तो आपका नाम आप जो बना रहे हो वो लैटिन लैंग्वेज से हो या फिर जो भी शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड किया गया हो लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज दोनों ही बड़ी ओल्ड लैंग्वेज होती है इसीलिए हम उसको नॉमन में यूज़ करते हैं क्योंकि जो लैंग्वेज ऑलरेडी ओल्ड हो जाती है उसमें इतने ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती कि वो डेवलप करेगी आगे फॉर एक्जाम्पल इंग्लिश में थोड़े थोड़े दिन में नए वर्ड्स यहाँ पर डेवलप होते रहते हैं स्लैंग लैंग्वेज डेवलप होती है तो उस तरह से इंग्लिश को हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते थे इसलिए हमने लैटिन का यूज़ करा अगर नॉमन क्लेचर करना हो तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर कहता है इफ़ इट इज़ रिटन इन इटैलिक्स वेन टाइप्ड एंड अंडरलाइन वन हैंड रिटन जब भी आप नाम लिखोगे कहना चाहिए इसका बायनॉमिल नॉमन क्लेचर अपनी कॉपीज में अगर नोट करोगे तो आपको कैसे लिखना है अगर आप हैंड रिटन वे में लिख रहे हो तो हमेशा उस नाम को आपको अंडरलाइन करना है तो जीनस से लेकर स्पीशीज तक का जो नाम रहता है पूरा अंडरलाइन करते हुए हमें जाना है वहीं अगर आप इस नाम को प्रिंटेड फॉर्मेट में लिख रहे हैं कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं कहीं पर भी लिख रहे हैं तो आपको उसको इटैलिक्स में लिखना होता है यानी थोड़ी सी स्लांटिंग लैंग्वेज में लिखना होता है किसी भी नाम को अगर हम देखे तो सी पॉइंट है कि इट कंटेन्स टू पार्ट्स जो भी बाइनोमिलोम क्लेचर होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं पहला वर्ड शो करता है जीनस को वहीं जो सेकंड वर्ड होता है वो शो करता है स्पीशीज़ को जिसे हम जेनरिक नेम और स्पेसिफिक इपिथेट का नाम देते हैं डी है जीनस नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल वाइल स्पीशीज़ नेम स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर जब भी जीनस का नेम शो करा जाएगा तो उसमें पहला वाला वर्ड जो होता है वो एम जैसे हमने मैंजीवर एंडी का एक एग्जाम्पल लिया था तो एम कैपिटल लेटर में शो किया गया था और इंडी का जो होता है जो स्पीशीज़ नेम होता है वो स्मॉल लेटर से शो किया जाता है जो भी नेमिंग हम कर रहे हैं वो शॉर्ट होना चाहिए प्रिसाइस होना चाहिए और इजी होना चाहिए जिससे कि उसका प्रोनांसिएशन इजीली हो सके तो ये भी नाम चीज़ का ध्यान होता है फिर नेम जो रहता है ऑथर का जिसने नाम दिया है उसको हमेशा एंड में एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का नाम है इसके आगे लिन लिखा जाता है होमोसेपियंस जो है ह्यूमन का नाम होता है साइंटिफिक तो उसको आगे भी उसका नाम आता है पेंथरा पार्डस लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है फेलिस डोमेस्टिका कैट का साइंटिफिक नेम है हमेशा एंड में हमें वहां पर साइंटिस्ट के नेम को एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना होता है अब बात आती है क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को कैटेगरी में रखते हैं किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में लेकर रखते हैं और उसको रखने के लिए हम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को यूज करते हैं तो ऐसी चीज को ऐसी प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहा जाता है और जो कैटेगरी होती है यहाँ कैटेगरी से मतलब है टेक्सा फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझें तो हम सबसे पहले अगर एक लिजार्ड को देखते हैं लिजार्ड अगर देखी जाए तो हम लोग पहले उसके सारे कैरेक्टर समझेंगे कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स है ये किससे मैच कर रहे हैं तो हमें बाद में ये पता चलता है कि ये जो कैरेक्टर्स है वो रेप्टाइल्स जो होती है क्लास रेप्टीलिया जो होती है उससे मैच करते हैं तो इसी वजह से हमने लिजार्ड को जिस क्लास में रखा वो रेप्टीलिया होती है रेप्टीलिया साथ में एनिमल किंगडम के अंदर आता है इस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है तो आगे हम उसको और फर्दर डेवलप करते हुए समझेंगे दूसरा पॉइंट होता है टेक्सोनोमी टेक्सोनोमी का मतलब होता है कैरेक्टराइजेशन करना पहले कैरेक्टर्स अच्छे से देखना फिर आइडेंटिफाई कर लेना कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है फिर उसका क्लासिफिकेशन करना कि इसको कौन सी जगह पर रखना सबसे बेस्ट होगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिजार्ड का फिर से एग्जाम्पल लें अगर हम उसको रेप्टीलिया में ना रखते हुए एम्फीबियंस में रख देंगे तो वो गलत हो जाएगा अब हम क्यों नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स जो होते हैं वही में पाए जा रहे हैं इसी वजह से हम उसको एम्फीबियन में नहीं रखेंगे क्योंकि एम्फीबियंस कैसे होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो कि वाटर पर भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं लिजार्ड को अगर देखें तो बेसिकली क्रॉल करती है और क्रॉल करने के साथ ज़्यादातर वॉल्स पर पाई जाती है इसी वजह से उसको हमने रेप्टीलिया में रखा है और भी उसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो रेप्टीलिया में होना चाहिए और उसमें होते भी है तो ये क्लासीफिकेशन होता है लास्ट में जो क्लासिफिकेशन के बाद प्रोसेस आती है उसको नॉमन क्लेचर कहा जाता है कि अब आपने जो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करा क्लासिफाई करा अब आप उसका नाम रख दो तो लिजार्ट का भी प्रॉपरली साइंटिफिक नेम हम यहाँ पर यूज करते हैं इसी तरह से ये सारी चीजें चारों चीजें मिलाकर टेक्सिनॉमी को बनाती है तो ये जो प्रोसेस है थी वो क्या बनाती है टेक्सिनॉमी को बनाती है नेक्स्ट चीज आती है सिस्टमैटिक्स 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 में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम देखते हैं और उनकी रिलेशनशिप्स को ज्यादातर देखते हैं एक छोटा सा यहाँ पर पॉइंट

पहली बात जो टर्म सिस्टमेटिक्स थी उसको प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो लीनियस थे 1735 की बात थी आप उनका फिगर देख सकते हैं यहाँ पर उनका जो जैसे उनका फ़ोटो था वो यहाँ पर शोन है तो ये सिस्टमेटिक्स के बारे में लीनियस ने 1735 में बताया था उन्होंने ये भी इंक्लूड करा था इट इंक्लूड्स उन्होंने अपनी ये जो बुक थी उसमें इंक्लूड करा था थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब इन्होंने करा क्या था जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं जहाँ भी मॉर्फोलॉजी वर्ड आ जाए समझ लेना है कि हम एक्सटर्नल अपियरेंस की बात कर रहे हैं बाहर से रिलेटेड बात कर रहे हैं एनाटॉमी वर्ड आए तो हम इसका मतलब बॉडी के अंदर वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल जो भी ग्लैंड्स हैं जो ऑर्गन्स है सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं तो अभी हम मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की तो इन्होंने प्लांट्स के और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर कुछ डिस्क्रिप्शन दी थी फॉर एग्जाम्पल किसी लीफ के बारे में बात की होगी किसी किस स्टेम कि के बारे में किसी के फ्लावर्स के बारे में तो इस तरह की चीजें लिनियस ने आ, अपनी बुक में करी थी मेंशन और 1735 में उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी दी थी जिसका नाम होता है सिस्टमैटिक्स एग्जांपल देख लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ रूट स्टेम लीफ फ्लावर्स अलग-अलग तरह से कि पत्तियों का कलर ग्रीन होता है तो कभी येलोइश कलर की, की भी होती है पर्पल कलर की भी होती है ऐसी लीव्स भी होती है फ्लावर्स किसी के पेटल्स इस कलर के तो किसी के पेटल्स दूसरे कलर के हैं स्टेम्स अलग अलग तरह से हो सकती है किसी पे स्पाइंस हो सकते हैं कोई बिना स्पाइंस की हो सकती है किसी पे कुछ मार्किंग्स हो सकती है रूट्स रूट्स भी अलग अलग तरह की होती है कोई एडवेंटिशियस होती है तो कोई नॉर्मल रूट्स होती हैं जो कि सिंगल होती हैं तो इस तरह की चीजें उन्होंने मॉर्फोलॉजी की बेसिस पर देखी थी सेकेंड चीज थर्ड चीज़ यहाँ पर आती है न्यू सिस्टमेटिक्स क्या होती है जिसको न्यू सिस्टमेटिक भी कहा जाता है तो इसका थर्ड नेम होता है बायोसिस्टमेटिक्स अब ये तीनों ही चीजें एक न्यू ब्रांच थी जो कि सिस्टमेटिक्स में से ही डिराइव हुई थी इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जूलियन हक्सले नाइनटीन फोर्टी टर्म टेक्सोनॉमी जिन्होंने कॉइन की थी उनका नाम था ए पी डेकेंडोल मैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर टर्म टेक्सोनॉमी जिन्होंने वर्ड दिया था उनकी बात कर रही हूँ तो ए पी डेकेंडोल ने टेक्सोनॉमी टर्म को कॉइन किया था कैरोलास लीनियर जहाँ होते हैं वो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहलाते हैं नेक्स्ट देखते हैं एच सेंटा पाओ इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी इंडियन टेक्सोनॉमी के फादर एच सेंटा पाओ है तो उनको अलग से यहाँ लर्न करना है टेक्सोनॉमी थ्री टाइप्स की होती है यहाँ उनका फिगर फोटो भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर आप टेक्सोनॉमिक थ्री टाइप्स की होती है पहली होती है अल्फा टेक्सोनॉमी इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज़ किया जाता है आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के लिए अगर आप प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन सारी जो चीज़ें कर रहे हैं वो उस कि सिर्फ बाहरी अपियरेंस पे बाहर से वो कैसे दिख रहा है वो प्लांट उसके बेसिस पे करते हैं तो वो अल्फा टेक्सोनॉमी के अंदर काउंट होता है नेक्स्ट है हमारे पास बीटा टेक्सोनॉमी टीटा टेक्सोनॉमी वो टेक्सोनॉमी होती है जिसके अंदर जेनेटिकल एनेटोमिकल साइटोलॉजिकल पेलाइनोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल और दूसरे बाकी कैरेक्टर्स जो होते हैं उन पर फोकस किया जाता है अब यहाँ पर एक एक टर्मिनोलॉजी को हम ध्यान से समझेंगे क्योंकि हम लोग स्कूल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये फर्स्ट चैप्टर है तो मैं मैं जानती हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर नई होगी जो इलेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से बिल्कुल फ्रेश है उनके लिए तो जेनेटिकल वो चीज़ें होती है जो जेनेटिक्स से रिलेटेड होती है जिसमें हम डी एन और जो हमारे बॉडी के क्रोमोसोम्स होते हैं उससे रिलेटेड बात करते हैं एनाटॉमिकल वो चीज़ें होती है जिसमें बॉडी के अंदर के जो भी पार्ट्स हैं जैसे कि अंदर ग्लैंड्स जो हैं ऑर्गन्स जो हैं जो पूरे सिस्टम है बॉडी के अंदर से उसकी बात होती है एनाटॉमिकल में मॉर्फोलॉजिकल का यहाँ पर मैंशन नहीं है लेकिन हम फिर भी यहाँ पर टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं हम जानते हैं बाहर के कैरेक्टर्स जैसे उसका गलर, उसके स्किन का कलर उसके हेयर का कलर उस पर हेयर है या नहीं उसकी आँखें कैसी है बाहर से जो भी चीज़ दिखाई दे रही है उसको मॉर्फोलॉजिकल और अंदर से रिलेटेड चीज़ें एनाटो िकल साइटोलॉजिकल वो चीज़ें होती है जिसमें हम सेल से रिलेटेड स्टडी करते हैं सेल ऑर्गेनल से रिलेटेड स्टडी करते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया गोल्ग अपेरेटिस हो गए लाइसोजाइम्स हो गए और जो कहना चाहिए गोल्जी अपेरेटिस हमने डिस्कस कर लिया है राइबोजोम्स हो गए और जो भी बाकी सेल ऑर्गेनल्स से हो सकते हैं सेल के पार्ट हो सकते हैं न्यूक्लियस न्यूक्लियोजोम्स जो मैं सेल चैप्टर जब पढ़ाऊंगी सब कुछ वहाँ पर डिस्कस करूंगी तो ये साइटोलॉजिकल चीज़ होती है अब आती बात पेलाइनोलॉजिकल यानी कि जो चीज़ें कहीं ना कहीं फ़ॉसिल रिलेशन से रिलेटेड हो कि कैसे वो उस चीज़ का कोई फ़ॉसिल रिमेन पाया गया हो तो वो फॉसिल चीज़ें जो होती है उसको पैलाइनोलॉजिकल में स्टडी किया जाता है जैसे कि डायनासोर्स जो है उसके फॉसिल एविडेंसेज मिले हैं कि पहले डायनासॉर्स हुआ करते थे तो ये जो डायनासोर्स है इनके जो स्केलेटन वगैरह हमें बरीअ बरीड फॉर्म में मिले थे उनको फिर हमने आर्क्योलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने देखा ये सब चीज़ें पैलाइनोलॉजिकल में आ जाती है फिजियोलॉजिकल वो चीज़ होती है जहाँ फिजियोलॉजी से रिलेटेड बात करते हैं जैसे डाइजेशन एबजॉर्बेशन फिजियोलॉजी है रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी है सर्कुलेशन चैप्टर फिजियोलॉजी है रिप्रोडक्शन चैप्टर फिजियोलॉजी है ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकल होती है और बाकी कुछ और करेक्टर्स तो इतनी सारी चीज़ें अगर हम किसी चीज़ में इंक्लूड करते हैं तो उसको बीटा टेक्सोनॉमी कहा जाता है दूसरी बात ओमेगा टेक्सोनोमी ओमेगा टेक्सोनोमी ऐसी चीज़ है जिसमें एनालिसिस और सिंथेसिस किया जाता है हर तरह की इंफॉर्मेशन का टाइप्स ऑफ डेटा का जिससे कि एक क्लासिफिकेशन डेवलप हो जाता है क्लासिफिकेशन का सिस्टम डेवलप हो जाता है जो कि फ़ाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे बेस्ड रहता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि पीछे अगर हम इवोल्यूशन देखें फॉर एग्जांपल हम लोग कहाँ से डिराइव हुए थे और पीछे जाके हम लोगों की फ़ैमिली ट्री कैसी बन रही तो उस चीजों को अगर हम स्टडी करते हैं तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को कहा जाता है तो ओमेगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड रहती है बीटा टेक्सोनॉमी जेनेटिकल एनाटोमिकल साइटोलॉजिकल पेलाइनोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल ऐसे कैरेक्टर्स पर बेस्ड होती है अल्फा टेक्सोनॉमी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड होती है नेक्स्ट टेक्सोनॉमी हमारे पास है साइटोटेक्सोनॉमी साइटोटेक्सोनॉमी यूज ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स इन क्लासिफिकेशन और इन सॉल्विंग टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड एज साइटोटेक्सोनॉमी अगर हम साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्लांट्स के देखते हैं और उसकी मदद से क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऐसी टेक्सोनॉमी को साइटोटेक्सोनॉमी कहा जाता है साइटो वर्ड जहाँ पर भी आएगा आज से हमें एक और टर्मिनोलॉजी को याद करना है साइटो वर्ड जहाँ पर भी आएगा उसका मतलब होता है सेल अब एक चीज़ और आज मैंने यहाँ पर जैसे कि बाय वर्ड बताया बाय का मतलब होता है दो नॉम वर्ड बताया उसका मतलब होता है नेम साइट वर्ड बताया उसका मतलब होता है, है से रिलेटेड कहीं भी कुछ भी बात सेल से रिलेटेड हो सकती है फिर आ, मैंने एक दो वर्ड्स और यहाँ पर बताया तो जो जो मैं आपको वर्ड्स बताती जा रही हूँ आपने एक रजिस्टर बनाना है रजिस्टर के अंदर आपने आज का पहले जो नोट्स मैंने दिए हैं उसको नोट करना है साथ में एक चीज़ और जरूरी है कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे रहता है इसमें भी मैं कुछ की पॉइंट्स वहाँ पर मैंशन करती हूँ तो उनको प्लीज वहाँ से उसकी हेल्प से रिविजन करना होता कर लेना और दूसरी बात अपनी कॉपीज के जो पीछे वाला पेज होता है उसके ऊपर यहाँ जो की मैं सिखाती चल रही हूँ उनको नोट करते हुए जाना है जिससे कि आगे जाकर आपको हमेशा याद रहेगी कि कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं एक तरह की डिक्शनरी जो हम तैयार करेंगे अब तो ये तो हो गया साइट्रोटेक्सोनॉमी अब बात आती है कीमो की कीमोटेक्सोनॉमी कीमो टेक्सोनॉमी जैसे कि कीमो वर्ड बताता है कीमो का मतलब होता है केमिकल तो जहाँ हम केमिकल कंपाउंड्स की बात करते हैं वो प्लांट्स के अंदर हो और उसकी मदद से क्लासिफिकेशन करते हैं या फिर सॉल्व करते हैं टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स को तो उसको कीमोटेक्सोनॉमी कहा जाता है या फिर केमिकल टेक्सोनॉमी कहा जाता है अब जो बेसिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें कीमोटेक्सोनॉमी में यूज किया जाता है वो होते हैं तो जो केमिकल्स होते हैं उसको ध्यान से देखेंगे एल्केलॉइड्स कैरोटीनॉइड्स Tannins, polysaccharides, nucleic acids, fatty acids, aromatic compounds, etc. तो इन केमिकल्स के बेसिस पर अगर हम टेक्सोनॉमी को कर रहे हैं तो उसको कीमो टेक्सनोमी कहा जाता है यहाँ पर ए होगा ई नहीं होगा ठीक है तो केमिकल्स ये सारे थे इनके बेसिस पर अगर कर... और देखिए हाँ हम लोग ज़्यादातर प्लांट्स की बातें कर रहे हैं मैंने शुरू में ही बताया था लिविंग वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है वो पूरा प्लांट बेस्ड ही है ज़्यादातर क्योंकि ये बॉटनी का चैप्टर है हम यहाँ पर एनिमल्स की बात भी कर रहे हैं लेकिन मेनली ये बॉटनी पर फोकस करता है तो ये थी कीमो टेक्सोनॉमी नेक्स्ट है हमारे पास कैरियो टेक्सनॉमी कैरियो टेक्सोनॉमी ऐसी टेक्सोनॉमी है जो कि बेस्ड होती है कैरेक्टर्स ऑफ न्यूक्लियस पर फिर से एक यहाँ पर नया वर्ड हम सीख रहे हैं कैरियो कैरियो वर्ड न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है आज से हम एक और वर्ड याद रखेंगे हमेशा हमारी लाइफ तक पूरी लाइफ में याद रखना हमें कि न्यूक्लियस जो वर्ड है वो कैरियो से रिलेटेड होता है और क्रोमोसोम से भी अगर हम ऐसी टेक्सोनॉमी कैरियो टेक्सोनॉमी वो टेक्सोनॉमी होती है जिसमें कैरेक्टर्स न्यूक्लियस के देखे जाते हैं क्रोमोसोम के देखे जाते हैं उस तरह की टेक्सोनॉमी को ये कहा जाता है पैटर्नस जो होते हैं क्रोमोसोमल के बैंड्स के जिसमें डार्क बैंड्स लाइट बैंड्स होते हैं उसको भी देखा जाता है यहाँ पर तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पर अगर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है तो उसको कैरियोटेक्सोनॉमी कहा जाता है जब हम न्यूक्लियस क्रोमोसोम जेनेटिक चीजों के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं इस तरह की टेक्सोनॉमी को कैरियो टेक्सोनॉमी कहा जाता है नेक्स्ट है नॉमन क्लेचर नॉमन क्लेचर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आप उसको डिटेल में देख रहे हैं नॉमन क्लेचर एक तरह से आ, एक प्रोसेस होती है जिसमें डिस्टिंग साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं वेरियस स्ट्रक्चर्स को इंक्लूडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका पहले आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है पहले आइडेंटिफिकेशन होता है फिर उसका नामीकरण होता है उसका नॉमन क्लेचर होता है नेम्स दो तरह के होते हैं वर्नाक्युलर जिसको कॉमन नेम कहा जाता और है और दूसरे होते हैं साइंटिफिक नेम्स जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे मैंगो जो होता है उसका वर्नैक्यूलर कॉमन नेम है आम का कॉमन कॉमन नेम मैंगो ही है वर्नाक्युलर है वो नेम कॉमन नेम है साइंटिफिक नेम उसका मैंजीफेरा इंडिका है टाइप्स ऑफ नॉमन क्लेचर टाइप्स ऑफ नॉमनक्लेचर पोलिनॉमिल नॉमनक्लेचर बायनॉमिल नॉमनक्लेचर एंड ट्रायनॉमल नॉमन क्लेचर जब दो से ज्यादा वर्ड्स का यूज करके नामन क्लेचर होता है तो यहाँ पर पोलिनॉमिल वर्ड यूज किया जाता है जब दो वर्ड्स का यूज करके नामन क्लेचर होता है तो बायोनॉमिल कहलाता है जब तीन वर्ड्स का यूज किया जाता है तो उसे ट्राइनॉमिल नॉमनक्लेचर कहा जाता है कैरोलस लीनियस जो है वो फाउंडर है बायनॉमिल सिस्टम के वाइवा में मैक्सिमम टाइम टीचर से क्वेश्चन करते हैं कि हु वॉज द फाउंडर या हु प्रपोज द थ्योरीज अबाउट बायनॉमिल आंसर ज कैरोलस लीनियस लीनियस साइंटिस्ट जो थे उन्होंने साइंटिफिक नेम्स के बारे में अपनी जो बुक थी स्पीशीज प्लांटेरम उसके अंदर बताया था डिटेल फॉर्म में बताया था स्पीशीज प्लांटेरम के अंदर स्पीशीज प्लांटेरम का फिगर आपके सामने है आप देख सकते हैं ये उसका कवर पेज है जो कि कैरोलस लीनियस जो थे साइंटिस्ट उन्होंने लिखी थी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लेचर के अंदर हमेशा दो कंपोनेंट्स होते हैं ये हमने पहले भी स्टडी करा था उसको हम फिर रिपीट कर रहे हैं पहली चीज जेनरिक नेम होती जिसको जीनस कहते हैं और दूसरी चीज़ स्पेसिफिक नेम होती है जिसको स्पीशीज कहते हैं एग्जाम्पल पटेटो कॉमन नेम है वर्नैक्यूलर नेम है उसी का साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूब्रोसम होता है जिसमें सोलिनम शब्द जो है वो जीनस को शो करता है और ट्यूबरोसम शब्द जो है वो स्पीशीज़ को शो करता है जीनस और स्पीशीज अगर नहीं पता है तो डरने की ज़रूरत नहीं वैसे हम इसको नाइन्थ में पढ़ते हैं पर फिर भी मैं आगे इसको डिटेल में बताऊँगी तो सो सो स्टेट यून फॉर दैट नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर आई सी बी एन देखते हैं आई सी बी एन का फुल फॉर्म हमने पहले भी देखा था इंटरनेशनल कोड ऑफ वॉटनिकल नॉम एंड हम डिटेल अब देखना स्टार्ट करते हैं कलेक्शन जो होता है रूल्स का रिगार्डिंग साइंटिफिक नॉम क्लेचर ऑफ प्लांट्स प्लांट से रिलेटेड रूल्स इस बुक में सॉरी uh, एक कम्युनिटी में uh, बताए गए थे आईसी को सबसे पहले जिन्होंने प्रपोज किया था उन साइंटिस्ट का नाम था स्प्रैग दूसरे थे हिच और थर्ड थे ग्रीन और ये नाइनटीन की बात थी आईसीबीएन को सबसे पहले एक्सेप्ट किया गया था 1961 ईयर के अंदर मेन रूल्स आईसीबीएन के कहते हैं नेम ऑफ एनी स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम ये हम डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट इन प्लांट नॉमनक्लेचर टोटो नेम्स आर नॉट वैलिड दैट इज जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम कैन नॉट बी द सेम एग्जांपल मैंजीफेर एंडिका बट टोटो नेम्स आर वैलिड ओनली फॉर एनिमल नॉमनक्लेचर एग्जाम्पल नाजा नाजा इंडियन कोपरा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या होता है कि कभी कभी जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम सेम हो सकते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ड्स बनते हैं फॉर एग्जांपल जो इंडियन कोबरा होता है ये उसका कॉमन नेम है उसका साइंटिफिक नेम होता है नाजा नाजा तो आप देखोगे कि जीनस भी नाजा और स्पीशीज भी नाजा तो नाजा नाजा सेम हो गया इस तरह का नॉर्मन क्लेचर टोटो नेम्स है हम उसको यहाँ पर हाईलाइट करते हैं टोटोनिम्स कहलाता है लेकिन यहाँ रूल कहता है कि अगर आप प्लांट में नॉमन क्लेचर कर रहे हो तो वहाँ पर आप टोटोनिम्स का इस्तेमाल नहीं करोगे यानी कि आप जीनस और स्पीशीज का नेम कभी भी सेम नहीं करोगे तो मैंजीफेरा इंडिका में मैंजी एक अलग वर्ड है इंडिका अलग वर्ड है तो इस तरह से यहाँ पर टोटोनिम कभी नहीं बनते लेकिन हाँ जो जूलॉजी का आईसी का रूल्स है एनिमल नॉमन क्लेचर के रूल्स है वो नाचा नाचा वर्ड यूज कर सकते हैं और भी वहाँ पर अलग अलग वर्ड्स होते हैं हालांकि हमेशा टोटल नहीं होंगे दूसरी तरह के वर्ड्स भी वहाँ पर होंगे रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स तो इसको देखना ज्यादा जरूरी है लेंथ जो थी जीनस और स्पीशीज नेम की वो तीन लेटर्स से कम नहीं होना चाहिए और ना ही बारह लेटर से ज्यादा होना चाहिए तो हम इसको जैसे मैंजी फेरा इंडिका का एग्जाम्पल लेंगे काउंट करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन मैंजी फेरा वर्ड में नाइन आ रहा है वहीं इंडिका में एक दो तीन चार पांच छह सात सेवन आ रहे हैं तो नाइन और सेवन का है अगर इनको टोटल करना है तो टोटल से तो गलत हो जाएगा बारह से तो वैसे भी ज्यादा जाएगा लेकिन हमें यहां पर कहने से ये मतलब है कि हमें इतने वर्ड्स होना चाहिए एक पर्टिकुलर को देखना है, हमें, लेकिन एक भी है यहाँ पर एक्सेप्शन सिर्फ एक ही चीज में जिसको कहते हैं रिक्शिया पैथेनोकोटेसिस इसके जरा वर्ड्स गिनेंगे तो पता चलेगा पैथेन कोटेंसिस में ज़्यादा होते हैं ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन सो यहाँ पर फोर्टीन लेटर्स का यूज़ किया गया है ट्वेल्व को हमने एक्सीड कर दिया तो इसी वजह से यहाँ पर ये यह इसका एक्सेप्शन हो जाता है तो नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट लेटर जो होता है जीनस का हमेशा कैपिटल लेटर के फॉर्म में लिखेंगे फर्स्ट लेटर जो स्पीशीज नेम का होता है हमेशा स्मॉल लेटर के फॉर्म में लिखेंगे मैंजीवेरा में देख सकते हैं एम बड़ा है इंडिका में छोटा है हमेशा जो साइंटिस्ट ने नॉमिन करा है जिन्होंने नाम दिया उनका रोमन फॉर्मेट में शॉर्ट वे में एब्रीवेटेड फॉर्म में हमेशा एंड में लिखते हैं जैसे मेनजी इंडिका लिन कभी कभी डबल एन भी मिलता है पर फिक्र करने की जरूरत नहीं वो सेम बात होती है नेक्स्ट तो जैसे एक और पॉइंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी साइंटिस्ट है हमेशा उनका नाम तो आता है लेकिन कभी ऐसे भी हो सकता है कि कोई साइंटिस्ट रॉन्ग नेम लिख दे तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है पहले जिन्होंने रॉन्ग नेम लिखा है उनका ब्रैकेट में नाम आता है फिर जिस साइंटिस्ट ने उसको करेक्ट करा उनका नाम आ जाता है फॉर एग्जाम्पल सूगा कैनेडेंसिस लिन ने गलत नाम लिया था तो उसके बाद सेल्स ब्यूरी ने ठीक करा तो ये पूरा इतना बड़ा नाम हो गया सूगा कैनेडेंसिस का और अब आप लोगों का होमवर्क है सूना कैनेड सूगा कैनेडेंसिस का कॉमन नेम आपको यहाँ पर फाइन करना है